पाकिस्तान के लोग हमेशा अपने किसी न किसी काम की वजह से विदेशों में शर्मसार होते रहे। आतंकवाद जैसे मुद्दे तो हमेशा से ही पाकिस्तानियों के लिए मुंह छिपाने की वजह बनी है, मगर खुद भी पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में अपने देश की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब इस शख्स को देखिए, ये है पाकिस्तानी बॉक्सर ज़ोहेब राशिद। ज़ोहेब 5 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम के साथ इटली में ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट खेलने के लिए पहुंचा था, मगर यहां पर वो महिला साथी खिलाड़ी लौरा इकराम के पर्स से पैसे चुरा कर फरार हो गया। पाकिस्तानी बॉक्सर की इटली में इस शर्मनाक हरकत की वजह से एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ा। पाकिस्तान अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने ये जानकारी 5 मार्च को दी। पीटीआई ने पाकिस्तानी बॉक्सिंग फेडरेशन के एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि उन्होंने घटना की जानकारी इटली में पाकिस्तानी दूतावास को दे दी है, साथ ही पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी गई। वहीं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी कर्नल नासिर अहमद ने कहा, ज़ोहेब राशिद 5 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम के साथ ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलने के लिए इटली पहुंचा था, मगर उसने जिस तरह का बर्ताव किया वो फेडरेशन और देश के लिए शर्मनाक है। पुलिस को उसकी जानकारी दे दी गई है जो उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के संपर्क में नहीं है। नासिर अहमद ने मामले के बारे में बात करते हुए विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ये घटना तब हुई जब महिला बॉक्सर लौरा इकराम ट्रेनिंग के लिए गई थी। इसी दौरान पीछे से ज़ोहेब राशिद ने रिसेप्शन से उनके कमरे की चाबियां ली और पर्स में रखी विदेशी मुद्रा चुरा ली। सेक्रेटरी कर्नल नासिर ने बताया कि इस घटना के बाद से ही ज़ोहेब होटल से गायब हो गया। फिलहाल उसकी तलाश भी की जा रही है। बता दें कि ज़ोहेब राशिद को पाकिस्तानी बॉक्सिंग का उभरता हुआ स्टार माना जा रहा था। उसने पिछले ही साल एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी विदेश में टीम का साथ छोड़कर गायब हुआ हो। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी बेहतर भविष्य के लिए देश जाने से मना कर देते हैं, लेकिन आप इस पाकिस्तानी को लेकर क्या कहेंगे जो विदेश जाकर भी चोरी करने से बाज नहीं आया? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।